अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़ेंवर रोज नवीन नवीन आरोप करता है। आता तर समीर वानखेड़ेंची प्राइवेट आर्मी असल्याचा आरोप मलिकांनी केलाय, पाहूयात। समीर वानखेड़ेंवर प्राइवेट आर्मी ठेवल्याचा आरोप। 6 जणांवर वानखेड़ेंसाठी वसुली केल्याचा आरोप। वानखेड़ेंचे 6 लुटारू साथीदार कोण? एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़ेंवर आरोपांमागून आरोप होता है। समीर वानखेड़ेंनी वसुलीसाठी मुंबईत त्यांची प्राइवेट आर्मी उभी केल्याचा आरोप नवाब मलिकांनी केलाय। या प्राइवेट आर्मीत किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्लेचर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, इलू पठाण हे 6 जण आहेत। हे 6ही जण वानखेड़ेंच्या पेरोलवर असल्याचा दावा मलिकांनी केलाय। उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेचर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, इलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। समीर वानखेड़ेंसाठी काम करणाऱ्या 6 जणांनी मुंबईतल्या ड्रग्स प्रकरणात तोडपाणी केल्याचा आरोपही मलिकांनी केलाय। प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। नवाब मलिकांच्या या आरोपांना यास्मीन वानखेड़ेंनी प्रत्युत्तर दिलाय। ये जो नवाब मलिक जी के जो ये गंदे हिंदी फिल्मों की तरह प्लानिंग है, ये अपना काम करना बंद करो, औरतों के पीछे पड़ना बंद करो, दिमाग से बात करो। देयर आर कोर्ट्स एंड देयर आर एविडेंसेस, देयर आर ऑनरेबल जस्टिस सिस्टम, प्लीज गो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू द राइट टू डू इट, यू आर अ मिनिस्टर, यू आर नॉट टू बी सेड। मलिकांचे हे आरोप सिद्ध होतील न होतील, पण राज्यातल्या एका मंत्र्याने केलेल्या या आरोपांमुळे समीर वानखेड़ेंच्या प्रतिमेवर शिंतोडे मात्र नक्कीच उडाले आहेत। सुशांत सावंत, साम टीव्ही न्यूज, मुंबई।